दोस्तों, अगर फोटोशॉप में आप किसी भी फोटो का बैकग्राउंड को इरेज करना चाहते हैं तो आइए आज हम आपको फोटोशॉप में बड़ा ही सिंपल और सरल तरीका बताते हैं। तो फोटोशॉप में जिस फोटो का बैकग्राउंड को आपको इरेज करना है, सबसे पहले आप उस फोटो को खोल लीजिए। चलिए हम यहाँ से एक फोटो को खोल लेते हैं, कोई भी एक फोटो यहाँ से ले लिए। फोटो खोलने के बाद अब आपको फिल्टर मेनू पे क्लिक करना है। फिल्टर मेनू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कमांड पे क्लिक करना है। तो एक्सट्रैक्ट कमांड पे जब क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स दिख जाएगा, यानी कि इस प्रकार का एक विंडो स्क्रीन आपको दिखेगा। इसमें सबसे ऊपर में यहाँ पर आपको एक मार्क टूल रहेगा। इस टूल का यूज करके आप फोटो को उस भाग को हाईलाइटेड कर सकते हैं जहां से जहां तक आपको रखना है। तो चलिए हम यहाँ से हाईलाइट करना शुरू करते हैं फोटो को। अब इस तरह से हम फोटो को हाईलाइटेड करते जा रहे हैं। तो आपको जहां से जहां तक फोटो को रखना है उस तरह से आप यहाँ पर हाईलाइट कर लीजिएगा। देखिए हम फटाफट हाईलाइट करते जा रहे हैं। आप इसको आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई झमेला कोई झंझट नहीं है। तो चलिए हमने फोटो को हाईलाइट कर लिया जहां से जहां तक हमें रखना है। अब क्या कीजिए, इसके नीचे एक फिल टूल रहेगा, इस फिल टूल पे क्लिक कीजिए और इसके बीच में क्लिक कर दीजिए। अब बस आपको ओके पे क्लिक करना है। देखिए आपका फोटो का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो इस प्रकार से आप किसी भी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने फिल्टर मेनू के अंदर एक्सट्रैक्ट कमांड का यूज करके किसी भी फोटो का बैकग्राउंड को रिमूव करना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।